खाडाक न्यूज। अच्छा, पिछले दिनों आपके छोटे भाई अवैध सिंह चौटाला ने अहमदाबाद सीट से इस्तीफा दिया है, उनका अवैध सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो। और मेरी तो जेल में है, दुष्यंत का इस्तीफा मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। इंदर का कानून बनाया हुआ है, इंदर निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो है वो रिजाइन करे। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकुला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा। पर वो लोग मुझे ये तो बताएं कि SYL का समाधान भी साथ साथ करवा लें, उस मुद्दे को भी सुलझा लें। वो तो हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दूसरा चैलेंज उन्होंने दिया है कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके सामने अहमदाबाद सीट से चुनाव लड़ के देख ले। वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा अपना। अच्छा, पिछले दिनों आपके छोटे भाई अवैध सिंह चौटाला ने अहमदाबाद सीट से इस्तीफा दिया, उनका अवैध सिंह चौटाला के इस्तीफे से कोई मकसद हल हुआ है मुझे ये बता दो। और मेरी तो जेल में है, दुष्यंत का इस्तीफा मैं अभी दे देता हूँ। अगर उस बात से मकसद हल होता हो तो हम एक पल भी नहीं लगाएंगे। इंदर का कानून बनाया हुआ है, इंदर निर्णय करे या हरियाणा के 10 सांसद रिजाइन करे जिन्होंने इस पे मोहर लगाने का काम किया है, या 5 राज्यसभा के सांसद जो है वो रिजाइन करे। दुष्यंत के रिजाइन मांगने से, हरियाणा के मिनिस्टर के किसी रिजाइन करने से अगर समस्या का समाधान होता है तो मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा मेरी जेब में है। मैंने तो कल भी पंचकुला में कहा था कि एक पल भी नहीं लगाऊंगा। पर वो लोग मुझे ये तो बताएं कि SYL का समाधान भी साथ साथ करवा लें, उस मुद्दे को भी सुलझा लें। वो तो हरियाणा की जीवन रेखा है। एक दूसरा चैलेंज उन्होंने दिया है कि आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके सामने अहमदाबाद सीट से चुनाव लड़के देख ले। वो हमारे परिवार का सदस्य खुद नहीं है क्या? वही लड़के देख लेंगे, पता लग जाएगा अपना।